जबरदस्त है, मैंने भी चखा है। नान के साथ बहुत मजा आया। नान भी है ना, मुझे भी देना थोड़ा सा नान, मैं भी टेस्ट कर लूं। मान रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर दोपहर का वक्त है जी, तकरीबन टाइम हो चुका है जी, देखिए 2:38 हो चुके हैं जी। तो मैं अभी स्कूल से आई, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है जी। तो ये देखिए जी, बाजी ने आज चावल बनाए हुए हैं नमक मिर्चों वाले। जब जी हमारे वाइट चावल बच जाते हैं तो उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के जी टेस्टी सारी बाजी खाना बना देती हैं। पहले जी हमारी सास साहिबा बनाया करती थी, तो वो जी हम खा रहे हैं, बच्चे भी और मैं भी। तो आज स्पेशल व्लॉग होने वाला है, आपने हमारे साथ रहना है। तो आज ही हम ख़त्म करना दिलवाएंगे 15 शाबान का, वो तो इस सिलसिले में जी न्याज भी बांटेंगे। तो सबसे पहले जी फिर आपको मौसम भी दिखाते हैं, उधर देखिए जी बाजियाँ तैयारी कर रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी, दोनों बाजियाँ बैठी हुई हैं, और ये है जी चीनी और ये है जी सूजी। तो इधर है जी बादाम, और ये है जी काजू, और ये है जी खोपरा, और ये है जी किशमिश। ये बाजी साफ कर, मेवा मेवा। तो ये जी पहले सबसे पहले जी अभी इनकी वो कटिंग कर लेते हैं, फिर सूजी को छानना है, और उसके बाद जी फिर हम स्टार्ट करेंगे हलवा बनाना, है ना बाजी? तो थोड़ा सा मौसम शेयर करते हैं आपके साथ, यहाँ से दिखा देते हैं। देखें जी आज बहुत प्यारा दिन था, खूब रोशन दिन था माशाल्लाह। दोपहर देखें जी, ये सूर्य निकला हुआ, बहुत खूबसूरत दोपहर है जी। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, देखें जी माशाल्लाह, स्कूल से छुट्टी हो चुकी है। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारे गाँव का, और ये देखें जी सामने ट्यूबवेल चल रहा है, और ये फसलों को जी यहाँ से पानी यहाँ तक जा रहा है जी सारा। बहुत खूबसूरत दोपहर है जी, और सारे जो है गांव वाले बिजी हैं जी, अपने काम में मशगूल हैं जी। और फिर आपको दिखाते हैं जी अंदर चलकर, ये देखें जी खाली होगी प्लेट और ये देखें चावल बनाए हुए हैं जी, ये भी खाएंगे, और फिर अगली रूटीन जी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें जी इधर अभी हस्बैंड साहब बना रहे हैं चाय मेरे लिए और अपने लिए। चाय पीते सारी फिर जी हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी का। जल्दी जल्दी करें, खत्म करवाना है। गुस्सा खत्म भी पढ़ना है आपको, गुस्सा करना ही नहीं आ रहा, आप बड़े सीरियस हो गए, बड़े रोक से कह रहे थे जल्दी जल्दी करें, फिर आके फिर वो आप साथ ही डाउन भी हो गया। जल्दी हाँ जी खत्म दिलवाना है ना, करना है भी। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, बस जी चीजें तैयार है, ये देखें। अच्छा। तो देख चाह रखते हैं तो फिर है। चाय पियेंगी आप? तो क्यों नहीं, मेरे साथ में दर्द है, स्कूल से आकर चाय मस्ट। चलें जी, काय जो है काय कह रही थी है चाय, सॉरी जी चाय। ये हस्बैंड साहब ने कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है, दूध पत्ती अभी पीती हूँ जी मैं। अच्छा जी बाजी बैठ गई हैं जी चूल्हे के पास, तो सारा रेसिपी का सामान रख लिया। आज जी बाजी बनाएंगी स्पेशल हलवा, क्योंकि बाजी बहुत एक्सपर्ट है जी हलवा बनाने में। तो ख़त्म दिलवाना है तो ज़्यादा हलवा बनाना है जी। कितना बनाना है? 2 किलो? 2 किलो सूजी है जी। देखो जी ये देखें जी, सूजी को हमने छान ली है, और ये गरी, और ये है जी किशमिश, और ये है जी वो काजू, और ये है जी बादाम, सारे जी चीजें पास रख ली हैं। और ये है जी पानी 2 किलो, पानी 8 किलो, 8 किलो सॉरी जी 8 किलो। अच्छा ये दो पानी डाल के जी हमने पास रख लिया, 8 किलो जी हमारा पानी होगा 2 किलो सूजी में। सही। तो देखे जी मेरी चाय उधर पड़ी है, अभी मैं जी देगचा लेकर आती हूँ। तो अभी बस ये है जी देगचा बड़ा, जिसमें जी हम हलवा बनाएंगे। तो मैं लेके जा रही हूँ बाजी के पास, और इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ये देगचा मैंने रख दी है, बाजी करें जी रेसिपी स्टार्ट। चलिए जी चूल्हे को जी हमने आग जला ली है, बिस्मिल्लाह करके जी अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। तो ये है जी घी, और बाजी डालने लगी है जी घी, और घी आज डालेंगे जी 1/2 किलो। नमक
तो अभी बस ये जी आधा किलो घी हमने डाली है और आधा किलो जी बाजी घी और डालने लगे हैं। ये देखिए जी आधा किलो और डाली है तो एक किलो घी जाएगा बाजी, एक किलो घी हलवे में जाएगा जी। तो भी ये देखिए जी घी जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें जी हमने एक किलो घी डाला है। अब डालेंगे जी सूजी और सूजी है जी हमारी दो किलो। अब जी इसको चम्मच इसमें चलाएंगे और इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए जी थोड़ा सा घी और डालेंगे घी काम में। आग जो है वो हमने दरमियानी रखी हुई है तो दरमियानी आग पे जी हलवा जो है वो उसको फ्राई किया जाता है। सूजी जरिए मटी आग पे भुनी हुई है ना, मसाला जाए। दरवाजे को जी बंद कर दें क्योंकि हवा नीचे से बहुत तेज आ रही है तो ये चूल्हे को जी वो तपिश नहीं लग रही थी, सेक नहीं लग रहा था। ये देखें जी सूजी को हमने तकरीबन 12 से 13 मिनट तक फ्राई कर लिया है और घी देखें जी निकल आया ऊपर, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे जी पानी और फ्राई करना है बस। चलो जी अब बाजी डालने लगी हैं जी इसमें पानी, पानी की जी हमने पैमाइश करके रखी हुई है 8 किलो हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी का जी 2 किलो। चलें जी 8 किलो पानी बाजी डाल दिया पूरा। जी अब चम्मच चलाते रहना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो अभी बस अब डालेंगे जी चीनी और चीनी है जी हमारी 2 किलो, अब इसे डाल देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी और इस तरह जी मुसलसल फिर चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को जी हमने मुसलसल ही चलाना है। क्यों बाजी मीना, बाजी सैर कर रही हैं बाहर की? अच्छा अब ये है जी सब्ज़ इलायची, तकरीबन 12 से 14 अदद इसके दाने ये डाल देते हैं जी। और ये है जी हमारा फूड कलर, तो इसको जी तकरीबन आधा चम्मच, छोटी आधा चम्मच है जी अब इसको डालेंगे जी। ये देखिए जी आप अब ये मुसलसल जी हम चम्मच चलाएंगे पानी के खुश्क होने तक बाजी। अब यहाँ जी हमने मुसलसल ही चम्मच चलाना है। ये है जी नमक आधा चम्मच छोटा, तो अब इसे डालेंगे जी। ये देखिए व्यूअर्स अब जी हलवा पकने को आ रहा है, खुश्क होने वाला है ना पानी, घी जो है जी ऊपर आना स्टार्ट होगा तो हलवा जी हमारा तैयार हो चुका होगा। तो अभी ये देखिए जी यहाँ पे जी अब पानी खुश्क हो रहा है और घी ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जी बहुत मेहनत हो रही है, मुसलसल चम्मच चल रहा है। अब कितनी देर रह गई बाजी? थोड़ी देर रह गई बस। चलो जी बाजी कह रही है जी बस थोड़ी देर में ये हलवा तैयार है। देखिए जी यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाना है और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। जी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो अब बाजी डालने लगी हैं इन सब चीज़ों को एक एक करके। तो ये है जी हमारी आद पाव गरी, तो आप डालेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारे आद पाव बादाम, अब जी डालेंगे इसे भी। और ये है जी आद पाव किशमिश, तो अब डालेंगे जी इसे।
और ये हैं जी हमारे आध पाव काजू, तो आप डालेंगे जी इसे। तो ये जी काजू भी हमने डाल दिए हैं, ये किशमिश डाल दी है, ये गरी और ये बादाम, तो आप करेंगे जी इसे मिक्स। चूल्हा बंद कर दिया? अच्छा, आग को जी हमने कम किया, कम आँच है जी। तो भी ये देखे जी माशाल्लाह हलवा हमारा ज़बरदस्त जी है वो बन गया है। घी भी देखे जी साइडों पे निकल आया है, ये देखे माशाल्लाह। तो आप इसके ऊपर दे देते हैं जी ढक्कन। हमारा जी पक चुका है, तैयार है जी। तो ये मैंने बर्तन ले लिए हैं, तो इसमें जी डालते हैं और असमर साहब जी दुआ मांगेंगे, तो मैं जी उनको बुलाती हूँ नीचे से। चलें जी इसमें डालते हैं जी हलवा। और नान किधर है भाजी? नान अंदर, नान अंदर है जी, वो मैं लेके आती हूँ। पहले जी हलवा डालते हैं। कम्बल में लपेट के ये नान रखे हुए हैं, ये सारे जी नान है ये गर्मा गर्म। तो भाजी एक पैकेट लेके आओ या दो? तो विवाह ये है जी नान और एक पैकेट इसके अंदर है, ये लेकर जी बाहर चलते हैं, ये बांट रहे हैं जी। ये जी नान रख देते हैं इसके अंदर। आ जाए जी, आपको मैंने फोन किया था, आपका मक्खन आ गया। चले रख दे फिलहाल, खत्म पड़े। बिस्मिल्लाह करके जी आप डालते हैं हलवा। ये देखें जी कितना जबरदस्त कलर आया जी हलवे का। बिस्मिल्लाह हमारे। देखें जी हलवा डाल लिया हमने और ये आ गया जी दूध। ये जी नान भी आ गए। चीन और चलो जी हस्बैंड साहब खत्म पढ़ते हैं, तो फिर ये सारा जी बांध देते हैं, ये जो हमने इधर रखा है सारा कुछ। हो गया खत्म? चलो जी स्वाब पहुंच गया, कुराने पाक यासीन सारा कुछ कुछ हो गया। चलो जी ठीक है जी, आप फिर हम तकसीम कर देना। आपने नहीं खाना कुछ? ये खा ले तो खा ले, आप अपना तकसीम करें। आप देखिए जी सूर्य ग्रुप हो गया और शाम हो गई है जी, तो जल्दी जल्दी जी हम डालते हैं और बाजियां दोनों जी तकसीम करेंगी। सारे जी हमारे जितने भी डेरे में खा रहे हैं वहाँ पे तकसीम करें, ठीक है? कैसा बना जी? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त है। मैंने भी चखा, नान भी है ना, मुझे भी देना थोड़ा सा नान, मैं भी टेस्ट कर लूं। ये देखिए जी हलवे की लुक चेक करें, माशाल्लाह जबरदस्त ऑयली घी ऊपर निकला हुआ है जी, सही जबरदस्त। आपने चखना है? बांट ले, चलो बस जल्दी डाले। नान जी मेरे मुंह में है जबरदस्त। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस बर्तन में जी डालते जाएंगे। तो भी भाई ये देखिए जी नान जो है बड़े जबरदस्त है, और इसमें रखती हूँ जी मैं भी थोड़ा सा बाजी से लेती हूँ हलवा। चलें जी हलवा डाल लिया जी इस परात में, बड़े बर्तन, और ये देखे जी बड़े बर्तन में डाल लिया है हलवा, और ये बाद में जी फिर दूसरी तीसरी दफा ले जाएंगे। सही है बाजी, और साथ रखें जी नान। नान किधर रखेंगे? नान छापा ले लाए हैं, छापर से पाल देते हैं। चलो सही। तो अभी मैं यहाँ से लेते हैं जी हलवा, और हलवे के साथ जी खाते हैं नान। बाजी क्या कुछ चेक करें जी, बस बहुत टेस्टी, बिल्कुल दस हलवा बनाएंगे। खा लो, भूख लगी थी बहुत ज्यादा, चाय पी थी लेकिन तभी भूख लगी थी।
अच्छा ये शापर में रखते हैं जी ताकि गर्म रहे नान, क्योंकि अभी बहुत सख्त गर्म है नान। गर्म है हलवे के ऊपर भाजी क्या लेंगे? शापर रख के ना बड़ा प्लेट और हाँ प्लेट रख लें। हमें जी जितने भी घर हैं कोशिश होगी जी हमारे सारे घरों में जी तकसीम हो जाए, चाहे दो दो नान आ जाए चाहे एक एक नान आ जाए, साथ हलवा आ जाए, छोटी प्लेट रखेंगे साथ और सबके घरों में तकसीम करते जाएंगे। चले जी ये जी हमने इधर नान रख लिए है और इधर ये हलवा है, तो बाजी हलवा ले जी और दूसरी बाजी जी नान उठा लेंगे, सही है? चले जी चले जी चले जी। अब ये बाजी जी पूरे गांव में बांट के आएंगी दोनों बाजियां। मैंने तो अभी हलवा खाना है मेरा ये पड़ा हुआ है, जब तक एक चक्कर लगाती है ना फिर दूसरा भी लगेगा। अभी टाइम हुआ है अभी काफी टाइम है। हाँ जी सवा पांच में तो बाजियां चली गई हैं जी सारे घरों में तकसीम करने। मैंने जी पूरा एक नान खा लिया हलवे के साथ, मैंने भी खा लिया एक नान। हलवा जी बहुत टेस्टी बना है और बस यही हम खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा बस। हाँ उन तीन चावल बाजी ने बनाए हुए ना वो थोड़े से खा लेंगे, अगर खाना हुआ वो खा लेंगे। हाँ जी ठीक है व्यूअर्स, आपके लिए लेके आया हूँ मैं मक्खन, ये सुबह पराठों के लिए मिलाग बनना है और ये आपके लिए चमचे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी कबाब बनाया करेंगे तो ये वाले चम्मच आ गए हैं, प्लास्टिक का है वो ये बहुत अच्छा किया आपने ले आए हैं। ये कितने का है? ये एक तो है 220 का और ये 280 का, महंगे नहीं है? 500 के दो आए हैं, 500 के दो है फिर ठीक है। चले मुझे दे दे ये देखिए जी ट्यूबवेल का व्यू दिखाते हैं माशाल्लाह जबरदस्त पानी आ रहा है जी। ये देखिए जी पानी यहाँ से यहाँ खेतों में आ रहा है पानी यहाँ से जी ये खेतों की तरफ, ये देखिए नाली है ये वाली नाली है जी ये देखे जी बाजी आ रही है, बाजी दूसरी पता नहीं कहाँ चली गई है। ये देखे जी बाजी आ गई है जी सारा हलवा और नान बांट कर। बाजी मीना के थे? अच्छा दूसरी बाजी भी जी आ रही है। ये देखे जी सूर्य ग्रुप हो चुका है और ये देखे जी हमारे गांव का ट्यूबवेल माशाल्लाह जबरदस्त देखे जी चल रहा है। ये देखिए जी यहाँ से पानी जी सारे खेतों को, ये देखिए नाली है सैराब कर रहा है जी ये पानी दूर तक, ये वाली नाली है जी ये यहाँ से यहाँ तक सारे एरिया को जी वो वाला ट्यूबवेल जो है वो सैराब कर रहा है। चलिए जी ये देखिए बाजी आ गई है, अब फिर और हलवा डालेंगे जी और नान लेके जाएंगे। चलें जी हो गई है चले सारे नान बांट देना, बस जितने आपने वो गुजरा वाले लेके जाने उनको भी देने। हाँ जी बस ये देखें जी आ गए हो, चलो जी बाजी भी आ गए जी दूसरी। और ये जी बाजी और नान रखने लगी है, सारे रख लो। चले जी ये सारे नान ये दूसरी दफा रख ली है और बाजी जी ये डब्बों में डाल रही हैं जी जो भाइयों के घरों में सुबह लेके हमने जाने हैं। ये दो तीन भाई हैं तीनों के डाल हैं, थोड़े दो दो नान तीन तीन जितने आ गए कितने आ जाएंगे? पांच पांच। चले जी बच्चे भी हाँ जी बच्चे भी हैं।
ये देखें जी दोबारा बाजी हलवा लेके जा रही है और दूसरी बाजी नान लेके जा रही है। चले जी बस ये मेरे ख्याल में पूरा हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके जी सारे घरों में तकसीम कर देंगे। बस खत्म सारा। चलो जी चलो जी आप ये बाजियां दोनों रहती हैं जी, आप इनको देते हैं। बस अब जी हम अपनी वीडियो का ऐड करेंगे क्योंकि जी सारा जो नान है और जो हलवा है जो हमने तकसीम कर दिया है ये आप बाजी जी खा रही है क्योंकि उनको भूख लग गई है। साजी पड़ा हुआ है इसमें और इसमें से जी एक आध बंदे हैं जिनको देना है तो वो तकसीम भी हो जाएगा और कुछ एक आध बच्चे हैं जिनको भी खाएंगे और ये बाजी मीना का पड़ा हुआ है तो बाजी हमारा सारा जो हलवा और नान है वो पूरे हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करेंगे। तो व्यूअर्स सारे जी नान और हलवा जो है वो पूरे जी हमने अपने मोहल्ले में बांट दिए, जितने भी जी हमारे डेरे में घर है डेरे पे घर है जी सबके घरों में हमने तकसीम कर दिया है। तो शबरात वैसे तो कल है जी और आज हमने खत्म करा दिलवा लिया है क्योंकि कल जी हम थोड़े बिजी हैं तो वैसे भी जी कल आराम से जी जहाँ पे हमने जाना है वहां के वहां से होके आके जी फिर आराम से बात कर लेंगे। तो और शाम का खाना जी हमारा आज यही है। देखिए जी बाजी आप आके हलवा खा रही है, दूसरी बाजी भी खा रही है नान के साथ, मैंने खा ली है जी, हस्बैंड साहब भी खा गए, बच्चे भी खा चुके हैं, खाना है सारा जी भी है। हाँ जी वहां पे जी हमारे चावल पड़े हुए हैं ढक्कन उठा के खा रही है। ये देखिए जी ये चावल भी बनाए हुए हैं जी नमकीन, अगर किसी का नमकीन पे दिल कर गया तो वो चावल खा लेगा। तो आप वीडियो में एंड करते हैं जी और आपसे ज्यादा चाहते हैं स्पेयर वाली रिक्वेस्ट हो दिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दे जी और हमारे जितने बहन भाई दोस्त सब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे सब कुछ मेरा पाकिस्तान बनाए सब कुछ तंदुरुस्ती का बनाए तो इजाजत दीजिए जी खुदा।